में मूसलाधार बारिश हो रही है। नतीजन ये कि लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से मुंबई के कई निचले इलाके में जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के हिंद माता परिसर में और अपने कैमरा मैन इरफान शेख से कहना चाहूंगा कि वो बताए कि किस तरीके से हिंद माता का जो परिसर है वो पूरी तरीके से जलमग्न होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। सुबह के 4:30 बजे का ये समय हो रहा है और आप देखिए कि किस तरीके से बीएमसी के कर्मचारी सुबह के 4 बजे भी लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि अब से 2 घंटे बाद ही जो है वो सुबह हो जाएगी और जब सुबह होगी तो ट्रैफिक की समस्या जो है वो लोगों को उत्पन्न होनी शुरू होगी। आप देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। हिंद माता ही नहीं, मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जो इस समय पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और ये महज हालात तब हैं जब 3 से 4 घंटे की बारिश में आपको मुंबई जो है पूरी तरीके से जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 2 दिन के लिए कहा गया है कि मुंबई समेत ठाणे, पालघर, नवी मुंबई जैसे इलाकों में जो है अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है और ऐसे में लोगों को हिदायत दी गई है कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। कैमरामैन इरफान शेख के साथ किशोर ठाकुर, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।